अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हमारा, आप अपनी होस्ट अलीज़ा के साथ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर वाफियत होंगे, अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से इंजॉय कर रहे होंगे। व्यूवर्स, अगर देखा जाए तो मौसम आपको कैमरे में भी नज़र आ रहा होगा कि मौसम कितना अच्छा हो चुका है। मुझे तो ऐसे फील आ रही है, ऐसे वाइब्स आ रही हैं कि सर्दियाँ आ चुकी हैं। और ट्रस्ट में, जैसे सुबह उठते हैं तो एक सर्दियों वाली जो वाइब होती है और एक कोज़ी कोज़ी वाइब्स जो होती हैं वो आना शुरू हो जाती हैं। और ये वाला जो मौसम होता है ना, बीच वाला, ना तो गर्मी होती है ना तो सर्दी होती है, थोड़ी हल्की हल्की ठंडी हवा होती है, तो ये बड़ा अच्छा होता है। इसमें इंसान का मूड भी बड़ा अच्छा रहता है। और मूड के साथ साथ अगर तबीयत की बात करें हम, तो तबीयत थोड़ी नासाज रहने की ये वजह होती है कि आप और इंक्लूडिंग मी, हम अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते। क्यों? क्योंकि मौसम बदलता है लेकिन हमारी आदतें नहीं बदलती, हम वैसे ही रहते हैं। तो आदतों से मुराद के हमारा खाना पीना, हमारी रूटीन सेम वैसी रहती है, लेकिन जो मौसम बदलता है, जब गर्मी से सर्दी आती है, सर्दी से गर्मी आती है, तो तब वो अपने साथ बहुत सारी बीमारियों को भी लेके आती है। तो इससे ये पता चलता है कि अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। तो अब बहुत सारे मैसेजेस हो चुके हैं, तो अब जो लोग इतना वेट कर रहे हैं, आप लोग भी वेट कर रहे होंगे, तो आइए चलते हैं, हम अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं हमारे साथ दो स्टूडेंट्स मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुबशर। मुबशर, और आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? माय नेम इज उमर। उमर? उमर हसन। उमर हसन, ओके। तो आप क्या कर रहे हैं? मैं FSC का स्टूडेंट हूँ, प्री मेडिकल। आप भी? Yeah, same, second year. Okay, प्री मेडिकल। आप भी सेकंड ईयर के स्टूडेंट? जी, सेकंड ईयर। अच्छा, तो पास आउट होने वाले हैं? जी जी, पास आउट होने वाले हैं फ्यू मंथ्स। अच्छा, तो कब है एग्जाम्स आप? इंशाल्लाह मई जून में। मई जून तक एग्जाम्स हैं, तो कैसी तैयारी है एग्जाम्स? पेस अभी कंटिन्यू चल रही है जरा। अच्छा, अभी कंटिन्यू है, अभी चल रही है, तो मई जून यानी अभी तो टाइम है। जी जी, काफी, अभी तो स्टार्टिंग है क्लासेस। जी, तकरीबन स्टार्ट है अभी। ठीक है, तो कॉलेज में कैसे इंजॉय किया और क्या लगता है कि कॉलेज की जो लाइफ थी उसको याद करोगे? जी बिल्कुल, काफ़ी मेमोरेबल मोमेंट्स हैं हमारे लिए कॉलेज में। बहुत कुछ हमें सीखने को मिला है, हमारी स्किल्स इन्हेंस हुई हैं यहाँ पर आके। मतलब बेसिकली, मतलब कॉलेज ने हमें एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है और हमें मतलब काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर मिला है यहाँ पर आके। हम एकेडमिक्स की बात करें तो उसमें भी हमें बहुत अच्छा एक्सपोजर मिला है, बहुत अच्छा ट्रेन किया उन्होंने हमें, हमारी स्किल्स को इन्हेंस किया बेसिकली। और अगर हम को करिकुलर एक्टिविटीज़ की बात करें तो उनमें भी हमारी स्किल काफ़ी बिल्ड किया PGC ने। अच्छा, तो स्किल्स आपकी क्या हैं, आपको क्या लगता है? बेसिकली जो मेरी स्किल्स हैं, मैं डिबेट्स और स्पीचेस में काफ़ी इन हूँ कि अपनी बात लोगों को कन्वे कैसे करनी है और लोगों को कोई टॉपिक पर्टिकुलरली कैसे समझाना है। तो इस मामले में PGC ने मुझे काफ़ी एक्सपोजर दिया और काफ़ी ट्रेन किया, मतलब मेरी स्किल्स को मज़ीद बिल्ड किया PGC ने। अच्छा ठीक है, तो अभी तक कोई ऐसे कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया जहाँ से विन किया हो? जी, काफ़ी स्पीच कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया कॉलेज की तरफ से, लास्ट ईयर भी और इंशाल्लाह इस ईयर भी पार्टिसिपेट करेंगे। अच्छा, तो अभी क्या लगता है आपको कि अपनी जो कम्युनिकेशन स्किल्स को आप मज़ीद आगे लेके जाओगे? जी इंशाल्लाह मैम, हम ज़रूर कोशिश करेंगे। प्रोफेशन? जी, प्रोफेशन में भी कोशिश करेंगे, इसको मज़ीद बेहतर करें, उस लेवल पर लेके जाएँ कि इसको एक एज अ प्रोफेशन हम परस्यू कर सकें। अच्छा ठीक है, तो और बताओ मुझे आप में क्या टैलेंट है? और टैलेंट मैम बेसिकली जो यही डिबेट और स्पीचेस का, मतलब लोगों को कन्विंस कैसे करना है, किस तरह टू बी मोर कन्विंसिंग, यही मैम टैलेंट। अच्छा, तो फिर तो बड़ी आसानियाँ होती होंगी कि किसी भी इंसान को अपने पॉइंट पर कन्विंस कर लेते हो। जी मैम, बेसिकली मैम आपने उनकी साइकोलॉजी मैच करनी अपने साथ और उनको अपने पॉइंट पर लाना कि आपकी साइकोलॉजी एक पॉइंट पर मैच करे ताकि वो आपकी बात पर कन्विंस हो जाए। ठीक हो गया, तो टीचर्स को मनाना भी आसान होगा? जी मैम, ईजी है, मतलब नॉट डिफिकल्ट, बस उनकी आपने साइकोलॉजी को समझना है एक बार। अच्छा, तो इन फ्यूचर क्या करना चाहते हो? इन फ्यूचर मैम, अभी फ़िलहाल मेडिकल पे हमारा एम है कि हम मेडिकल एक डॉक्टर बन के अपनी इंसानियत की खिदमत करें, तो उसमें भी मैम ये काफ़ी मेरे लिए हेल्पफुल रहेगा क्योंकि आपको अपने पेशेंट्स को किसी चीज़ पर मनाना है, किसी चीज़ के लिए, कुछ सर्जरी के लिए आपने, तो उसमें आपके कम्युनिकेशन, उसमें भी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट। जी मैम, लाइफ के हर जगह पे आपको कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। चलें जी, बताएं मुझे आप क्या सुनाएंगे मुझे? सुनाने मैम, शेर सुनाना चाहूँगा एक अलामत। अच्छा सुनाइए। कभी ए हकीकत मुंतज़िर नजरा लिबास मजाज में, कभी ए हकीकत मुंतज़िर नजरा लिबास मजाज में, कि हज़ारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीन नयाज में। क्या बात है, और मुझे ज़रा एक सवाल पूछूँगी, उसका जवाब देंगे आप। सवाल ये है, ऐसा क्या है जिसके गला और बाजू तो हैं लेकिन हाथ और मुंह नहीं है? मैम कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये? आपसे तो पूछा ही नहीं मैम। लिविंग ऑर्गेनिज्म है मैम?
ये नहीं मैं बता सकती। अच्छा, कोई हिंट मैम इसके लिए? हिंट नहीं दे सकती। अच्छा, उसकी बाउंड्रीज हैं कोई मैम? ये भी नहीं बता सकती। अच्छा, तो किसी सेंटेंस में उसको यूज कर सकते हैं? यू जस्ट हैव टू गिव अ क्विक आंसर। क्वेश्चन मैम रिपीट कर सकती हैं आप? बिल्कुल कर सकती हूँ। सवाल ये है कि ऐसा क्या है जिसके गला और बाजू तो हैं लेकिन मुंह और हाथ नहीं है? अकल। अकल? अकल के गला और बाजू होता है? नहीं, अगर आप ज़िमनन बात करें तो गला और बाजू मतलब अकल बोल सकती है, मतलब अकल खुद नहीं बोल सकती, किसी जरिए से बोल सकती है। नहीं नहीं नहीं, इतना डीप नहीं जाना हमने। नहीं जाना मैम। अच्छा, फिलहाल मैम आपने मेरी साइकोलॉजी को हिट कर दिया। स्पीचलेस हो जी मैम। अच्छा चले, आप सोचे तब तक उनसे बात करते हैं, ठीक है? यही खड़े होकर सोचेंगे। अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ जवाब? इनको जवाब बहुत जोर से आ रहा था, है ना? Yeah, I think so. मुझे ऐसा लगा जैसे रिडल का आंसर टी-शर्ट है, तो इसलिए मैंने। अच्छा ठीक है, आप मुझे बताएं क्या करते हैं आप? I'm also a student of second year. क्या प्लान्स हैं आपके इन फ्यूचर, क्या करना है? डॉक्टर तो नहीं बनना, लेकिन मेरी है कि कुछ डिफरेंट फील्ड, जैसे साइंस में होती है बायोटेक्नोलॉजी वगैरह है, माइक्रोबायोलॉजी है, या डीप जाना साइंस मेडिकल फील्ड में ही है, बट नॉट इन दैट MBBS और डॉक्टर काइंड ऑफ थिंग। Not that one. I have to do something unique, something different. Something different. So आजकल तो information technology का भी बड़ा दौर है, you know, चीज़ें automate हो रही हैं, तो social media की तरफ है थोड़ा बहुत? Social media की तरफ interest है, लेकिन I think जो आपकी strong हो आपको वो चीज़ लेनी चाहिए, and I think my English, my communication skills and my bio is very strong, and that's very necessary for any goal you are going. Okay, और biology मेरी भी बड़ी favorite biology subject होता था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो आपका favorite subject हो ना उसमें आपको हमेशा ही कम marks मिलता है। True, very true. है ना, ऐसा agree? ऐसा मैम मेरे साथ केमिस्ट्री में भी फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स में हुआ है, मतलब बेसिक मेरे साथ तो बचपन से चलता आ रहा है ना, जो भी सब्जेक्ट मैं गूँ ये हमेशा से बायो फेवरेट होता था, साइंस फेवरेट होता था, उसी में मार्क्स कम होते और अनएक्सपेक्टेड होता था कि मैथ्स में सबसे ज़्यादा मार्क्स होते हैं। इसलिए होता है कि शायद हम उसको बहुत लाइट ले लेते हैं, हमें लगता है शायद पता नहीं आता है, शायद कह सकते हैं हम उसमें अपनी बाउंड्री सेट कर लेते हैं कि हम इतना ही बेस्ट कर सकते हैं, तो हम उसमें मजीद एफर्ट्स पुट नहीं कर पाते अगर हम कहें कि हम। यस, दैट्स ऑल्सो ट्रू, दैट्स ट्रू, बिल्कुल। अच्छा जी, तो आप, मैं आपसे भी सवाल कर रही हूँ, आपने जवाब देना है। ओके, आप मुझे बताएं ऐसा कौन सा जानवर है जिसके दो दिमाग होते हैं? दो दिमाग होते हैं, मंकी। ये बंदा बहुत इंटेलिजेंट है, मंकी। बिल्कुल, दैट्स द राइट आंसर। अब आपकी वजह से मुझे सवाल बदलना पड़ेगा। देखें, आपके फेलो ने सवाल का जवाब ठीक दे। मैम मुझे समझ नहीं है क्वेश्चन का आंसर। चलिए जी, टंग ट्विस्टर कराऊंगी, जो मैं बोलूंगी 5 times आप रिपीट करेंगे और 5 times आप रिपीट करेंगे। ओके, आप बोलेंगे पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला। पीतल की मैम रिपीट करिए मैम। पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला। पीतल की पपीती में पपीता पीला पीला। पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला। पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला। पीता क्या? What is पतीता? पीतल की पतीली में पतीता पीला पीला। पपीता पीला पीला। Okay, now it's your turn. पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला। 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 Okay जी, कोई मैसेज शेयर करना चाहेंगे? मैसेज मैम मैं ये शेयर करना चाहूँगा कि हम को करिकुलर एक्टिविटीज़ पे इतना फोकस नहीं करते, हम एकेडमिक्स को ही ज़्यादा करते हैं, तो हमें वहाँ भी फोकस करना चाहिए, बेसिकली वो हमारी स्किल्स को इन्हेंस करेंगी, बस ये मैसेज देना चाहूँगा। एग्जैक्टली यही कि आप जब अपना गोल सेट करते हो तो आपको ये जहन में रखना चाहिए कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, ताकि आप जो है उसी चीज़ में आगे जा सकें, क्योंकि जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट नहीं होता कभी कभी वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा बर्डनाइज कर देती है, तो ना ही आप कोई आउटपुट दे पा रहे होते हैं और ना ही आपके पेरेंट्स जो हैं आपसे खुश होते हैं, तो एग्जैक्टली डू व्हाटएवर यू वांट, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, डोंट बी अ बर्डन। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ज़रा थोड़ा सा इनके पास हो जाएं, कोई लड़ाई शड़ाई तो नहीं चल रही दोनों? नहीं नहीं दोस्त हैं, क्यों लड़ेंगे? अच्छा नहीं, सोच के जवाब दिए, मुझे ऐसा लग रहा है लड़ाई चल रही है। नहीं नहीं, लड़ने की बात ही क्या, लड़ने की बात नहीं है। साल के लिए कॉलेज आए हैं, क्या लड़ना है हमें? क्या लड़ना है, खुशी खुशी शुगर मेला लगा के 2 साल गुजार। ऐसा ही है, शुगर मेला लगाना है लोगों को, बस ज़्यादा
क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनस है, मोहम्मद अनस, मोहम्मद अनस नाम है। और आपका नाम क्या है? मोहम्मद अहमद। मोहम्मद अहमद, ओके। अनस और अहमद, किस क्लास में पढ़ते हैं आप? सेकेंड ईयर में, पार्ट सेकेंड। सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं? जी। अच्छा जी, तो क्या बनना चाहते हैं आप? फ्यूचर में मैं आर्मी डॉक्टर बनना चाहता हूँ, आर्मी को सर्व करना चाहता हूँ। गोल सेट हैं आपके? जी सर, सेम, आर्मी डॉक्टर बनना, कैप्टन डॉक्टर। तो ये गोल सेम कब हुए? गोल्स हम लोग फर्स्ट ईयर में इकट्ठे थे, साथ हमने पढ़ा, मतलब कि हम लोग साथ इंजॉय किया, साथ स्टडी करते रहे, साथ पढ़ा, तो सोच लिया कि यार अब जो प्रोफेशन है वो भी सेम ही चूज करें। इंशाल्लाह सेम जाएंगे इंशाल्लाह, और बाकी एफर्ट्स कर रहे हैं और चाहते हैं कि पाकिस्तान के लिए मतलब कुछ करें, अपने नेशन के लिए जो क्राइसिस है उनके लिए हम लोगों को, ह्यूमैनिटी को फ़ायदा कुछ पहुँचाएँ, सर्व करें। ओके, तो आपने इनसे इंस्पायर होकर सीखा या इन्होंने आपसे इंस्पायर होकर कहा कि आर्मी डॉक्टर बने? कोई नहीं है, इत्तेफाक कह सकते हैं इसको। असल में हम दोनों का स्कूल भी पहले से सेम है, तो कह सकते हैं कि एनवायरनमेंट सेम मिला, तो फिर माइंडसेट सेम हो गया। सेम थे क्लास फेलो से, हमेशा इकट्ठे एंजॉय किया। अच्छा जी, ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे कैसे एंजॉय करते हो, टाइम कैसे स्पेंड करते हो साथ? यहाँ पे हम लोग मतलब डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं, सब फ्रेंड्स हैं, स्पोर्ट्स हो गया, बाकी को करिकुलर एक्टिविटीज़ होगी। पीजीसी बहुत अच्छा हमें ऐसे फॉर्मेट हमें मिलता है, ऐसा हमें प्लेटफॉर्म देता है कि हम लोग उसमें स्टडीज़ में भी ये बेस्ट। ठीक हो गया। और मुझे बताओ ज़रा, हॉबीज़ क्या हैं आपकी? मेरी हॉबीज़ में स्टडी, उसके अलावा फुटबॉल का मैं प्लेयर हूँ, फुटबॉल खेलता होता हूँ, उसके अलावा सिंगिंग कर लेता हूँ। ओके नाइस। फुटबॉल आपको कब से खेलते हो और किसको देख के शौक हुआ कि यार फुटबॉल खेलना चाहिए? फुटबॉल मुझे खेलते हुए 4 to 5 years हो गए हैं, और मैं एकेडमिक प्रोफेशनल लेवल पे भी खेल चुका हूँ। अच्छा, ज़बरदस्त। कैसे प्रोफेशनल लेवल पे, किस तरह से? मीन्स मैंने एकेडमी ज्वाइन की, उसके बाद मैं स्कूल लेवल पे अपनी कैंपस को सर्व कर चुका हूँ, और उनके लिए मतलब मैचेस जीत चुका हूँ, और मैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो को फॉलो करता हूँ, इंस्पायरेशन। ओके ओके ओके। आपकी हॉबीज़ क्या हैं? मैं अरबिक कैलीग्राफी करता हूँ। अरबिक कैलीग्राफी करते हो, तो कोई आप कैलीग्राफी करके उसको सेल करते हो? सेल नहीं, असल में जो आपकी हॉबी होती है ना, वो आपकी सोल को मतलब नर्चर करने के लिए होती है, वो सेल के लिए नहीं होती। और दूसरी बात जो मतलब आप समझ सकते हैं, रकम है वो ज़रूरियात के लिए होती है, वो ख्वाहिशें पूरी कर देते हैं। मेरी हॉबी इसलिए है। तो आपको फील नहीं होता कभी कि चलो यार इफ़ आई गॉट सम टैलेंट तो मुझे उसको यूटिलाइज करना चाहिए, अगर मेरे पास टैलेंट है तो क्यों ना उसे, वाई नॉट यू कैन अर्न मनी फ्रॉम दैट टैलेंट? कभी ये जाविया सोच का नहीं रहा कि मैं पैसे कमाऊँ, मैंने हमेशा अपनी स्किल्स और अपनी पर्सनालिटी घूम करने की कोशिश की है। अच्छा, तो पैसे कमाए बगैर ज़िंदगी कैसे गुजरेगी? गुजर जाएगी, इंसान अपनी कोशिशों से अपनी तकदीर बनाता है, लेकिन कभी भी अपने स्किल को बेच के तकदीर नहीं बनाता होता। जिस तरह हर इंसान अपने स्किल को, इट्स नॉट स्किल को बेचना, इट्स लाइक स्किल को यूज़ करना। आप अपनी स्किल्स को इस्तेमाल करते हुए ही पैसे कमाते हैं ना। वो जब मैं सर्विसेज दूंगा, जब मैं सर्विसेज नहीं दे रहा तो मैं अपनी सोल को नर्चर कर रहा हूँ। जैसे अरबिक कैलीग्राफी करता हूँ मैं, तो मैं ये कभी नहीं कर सकता कि जब मैं लोगों के इर्द गिर्द बैठा हूँ तब कर रहा हूँ, मैं अकेले में बैठता हूँ रात को या सुबह के टाइम, बस ख़त्म। ओके, क्या सुनाएंगे हमें, कौन सा गाना? जो आप कहेंगे सुना देंगे। कोई भी सुना दें आप, चले जो आपको पसंद हो आप वो सुना। कुछ चीज़ थोड़ा बहुत सुनाऊंगा, कंप्लीट नहीं। नहीं नहीं, कंप्लीट सुनेंगे हम भाई। कह दे तू आएगा नहीं मुझसे मिल पाएगा, नहीं देखूं क्यों राह मैं तेरी, तू दर्द समझेगा नहीं मुश्किल है आगे जिंदगी, मन था बड़ा तू होता मेरा, दर्द है तेरा गम क्यों मेरा, क्यों दिया दर्द हमें, हम आज तलक ना समझे, बुरे हैं क्या इतने तुम आ न सके जो मिलने, तू हमको भूल गया बस यार हम ही पागल थे, सोचा तुझे जो रात दिन जो तू ना मिला मुझे, जो तू ना मिला मुझे, दिल को क्या बताऊंगा, दिल को क्या बताऊंगा,
जो तू ना मिला मुझे, दिल को क्या बताऊंगा। क्या बात है जी, आप क्या सुनाएंगे? मैं सिंगिंग नहीं करता। सुनाने से मुराद सिर्फ गाना ही नहीं होता। आप क्या चाहेंगे कि मैं क्या सुनूं? कुछ भी, कोई शेर सुना दें आप हमें, कोई मिली नगमा सुना दें। शेर वैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे याद नहीं रहते। अच्छा, शेर याद नहीं रहते, और इसकी वजह मुझे नहीं, मैं नहीं जानता शायद ये। उर्दू में जब वो तशरीह वाला पार्ट होता है उसमें क्या करते हो? वो एक गंदी आदत है मैट्रिक से, और उससे पहले जब से तशरीह करना शुरू की कि पेपर वाले दिन ही याद करेंगे और फिर उसे याद कर लेंगे। उसमें भी याद नहीं करते, खुद ही बना के लिखते हैं, शेर बना के लिखते हैं। कभी कभी ऐसा तो खुद हो, लेकिन उस टाइम याद है। सुनाना चाहेंगे? जी सुना देता हूँ। जब कभी खुद को मैं समझाऊँ कि तू मेरा नहीं, जब कभी खुद को मैं समझाऊँ कि तू मेरा नहीं, मुझ में कोई चीख उठता है कि नहीं ऐसा नहीं। कब निकलता है कोई दिल में उतर जाने के बाद, कब निकलता है कोई दिल में उतर जाने के बाद, इस गली की दूसरी जानिब कोई रास्ता नहीं। क्या बात है भाई, क्या बात है। अब आपने तो कुछ नहीं सुनाया, लेकिन आपके दोस्त ने आपके हिस्से का सुना दिया। दोस्त है, ठीक हो गया, शेयर करते दोस्त रहते हैं। ऐसे ही कवर करते हैं, ऐसे ही कर लेते हैं किसी को कोई। ओके जी, थैंक यू, थैंक यू जी। मैं बस वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, वापस आऊँगी मैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहना है प्रोग्राम हम और आप। सवाल ये है, मुझे बताओ ऐसा क्या है जिसके हाथ और मुंह नहीं है, गला और बाजू है? दाऊद भाई, नहीं दाऊद भाई से पूछेंगे हम, आप बताएं। सांप। सांप क्या नहीं है? जिसके हाथ और मुंह नहीं है, ठीक है, गला और बाजू है। वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक के बाद आ गई हैं आपकी होस्ट वापस। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप। मेरे साथ अभी कुछ और स्टूडेंट हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बताएं जी, क्या हाल चाल है? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक ठाक। आप कैसे हैं? आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह फिट। फिट हैं जी। अच्छा जी, तो ये जो बदलता हुआ मौसम है, इसने आप पे कोई असर नहीं किया? नहीं, अभी तक तो नहीं। अभी तक तो नहीं किया। आप पे कोई किया क्या? टेम्परेचर, फ्लू, इस तरह की चीजें जैसे होता है बेसिकली। ये बड़ी इरिटेटिंग सी चीजें होती हैं, हर साल ऐसे होता है। अच्छा, ये वाकई बड़ी इरिटेटिंग होती हैं। आपको यहाँ तो प्रॉपर बुखार हो जाए ना, चलो मानने में आता है, थोड़ा सा गला ख़राब हो जाना, थोड़ा सा फ्लू हो जाना, वो इंसान वैसे ही डिस्टर्ब हो जाता है। ऐसे ही है जी, ऐसे ही है। आप किसी को मार के भागने वाले? नहीं। अच्छा, थोड़े से ऐसे जल्दी में खड़े हैं ना कि जैसे पता नहीं क्या करने वाले? नहीं नहीं, कुछ नहीं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, कोई जिम शिम जाते हैं? नहीं अभी तक तो नहीं। अच्छा, लग एथलीट हो? मैं जाता हूं जिम। अच्छा, एथलीट हो, वर्कआउट करते हो? जी। ओके, आप जाते हैं? जी जिम जाते हैं। आपको क्या लगता है जिम करने के क्या नुकसान होते हैं? जिम करने के नुकसान तब हैं अगर आप डाइट ना करें। अगर आप डाइट करते रहें और साथ जिम करते रहें तभी फ़ायदा, ऐसे फ़ायदा नहीं है। अगर लेट्स से आपने साल, दो साल, तीन साल जिम किया, तीन साल के बाद स्किप कर दिया, छोड़ दिया, फिर? नहीं, फ़ायदा नहीं है, नुकसान ही नुकसान है। अच्छा, मतलब अगर आपने जिम करना है तो आपको प्रॉपर करना पड़ेगा, ये तो बड़ी गलत बात है फिर। कंसिस्टेंट जो रहना पड़ता है जिम के लिए, अगर कंसिस्टेंसी नहीं है तो आप जिम ना करें। अच्छा, तो आप जिम क्यों कर रहे हो? पतले होने के लिए, मोटे होने के लिए? पतले होने के लिए। अच्छा, वही मैं कहूँ, मोटे तो ऑलरेडी हो। बस वो डाइट मेंटेन नहीं हो सकती और कंसिस्टेंट नहीं रह सकते, इस वजह से वेट ज़्यादा। अच्छा, नहीं कोई व्यवस्था नहीं है। आई लाइक द वे द पीपल, यू नो, अल्लाह पाक ने हर इंसान को डिफरेंट बनाया है, हर उसके फीचर्स चेंज हैं, आदतें चेंज हैं, तो मुझे तो लगता है कि हर इंसान को उसको वैसे ही जैसा वो है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, है ना? ऐसे ही है। चुप हो के क्यों खड़े? कुछ नहीं, वैसे ऐसे ही। अच्छा, मुझे बताएं। नहीं, वैसे आप बात ही उनसे करिए। ओहो, पूछा ही नहीं आपसे। चलो आपसे एक सवाल पूछ लेती हूँ, आपने जवाब देना, ठीक हो गया? ठीक। सवाल ये है, मुझे बताओ ऐसा क्या है जिसके हाथ और मुंह नहीं है, गला और बाजू है? दाऊद भाई। नहीं, दाऊद भाई से पूछेंगे हम, आप बताएं। सांप। सांप क्या नहीं है? जिसके हाथ और मुंह नहीं है, ठीक है, गला और बाजू है। कोई स्टैचू ही होगा जिसके टूटा फूटा। टूटा फूटा स्टैचू जी। अच्छा, हाँ ये भी ठीक है। हाँ जी, यही होगा।
नहीं नहीं ये नहीं है। आप ही बता दे। मैं तो प्रोग्राम के एंड में बताऊंगी। ठीक है फिर ना बताएं आपको ही ना बता। मैं तो पूछ रही हूँ ना आपसे। स्किप कर दे। चले जी टांग क्रिस्टर कराऊंगी जो मैं बोलूंगी इसको आप रिपीट करेंगे 5 दफा। ओके ठीक। आप बोलेंगे पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला। पीतल की रिपीट। पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला। पीतल की पतीली में मैं बोलूं पीतल की पतीली में पीपल पपीता पीला पपीता पीला पीला। पीतल की पपीली छोड़े आप इनसे कर ले इनसे ही पूछ ले छोड़े सवाल भी ना पूछे मुझे। फिर कुछ सुना दें आप हमें गाना सुनाएंगे। गाना नहीं आता मुझे। क्या आता मैं सुनती हूं। क्या सुनते हो फिर। कुछ भी नहीं है ज़्यादा। हॉबी क्या है। हॉबी ट्रेडिंग करता हूं मैं। कितना अर्न कर ले। अभी तो बस थोड़ा बहुत ही है जितनी इन्वेस्टमेंट है उस पे तकरीबन महीने का 30-40%। ओके इन्वेस्टमेंट कितनी है। इन्वेस्टमेंट कोई $300। $300 ओके। तो आपको लगता है कि लाइक इन फ्यूचर आपको इसका कोई बेनिफिट होगा। जी कई जगह पे हो जाएगा। हो जाएगा अच्छा। जैसे कि मेरा फॉरेन मूव करने का प्लान है तो वहाँ जाके क्योंकि खुद सर्वाइव करना होता है सर्वाइवल खुद ही होता है तो फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ा लेंगे और जो 30-40% है उससे इंक्रीज हो जाएगी परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज। अच्छा इसमें अगर प्रॉफिट भी आपको 30-40% होता है तो लॉस भी आपको ऐसे ही होता है। लॉस डिपेंड करता है ना आपकी लालच पे अगर आप करते हैं फिर होता है नहीं तो नहीं होता। आप स्टॉप लॉस लगा दें। अच्छा 3-4% पे स्टॉप लॉस लगा दें या तो अगर आपको है कि आपने होल्ड करके रखना है फिर लॉस ही लॉस है ऐसे तो। ओके यानी ये भी ट्रिक्स हैं। जी तो आपने कहाँ से सीखा है। ऑनलाइन सब कुछ ऑनलाइन ही है। सब कुछ ऑनलाइन अब तो ईजी हो गया है कुछ भी आप सोशल मीडिया खोलें और यू कैन लर्न एनी थिंग। अच्छा जी आप बताएं आपको टंग ट्विस्टर करने की बड़ी जल्दी थी। क्या टंग ट्विस्टर करेंगे वही जो मैंने बोला था उसको 5 दफ़ा रिपीट करें। दोबारा बताएं भूल गए। पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला। पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला। पीतल की पतीली में पपीला पीला पीला। पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला। पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला। पीतल की पतीली में पतीला पीला पीला। पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला। ओके जी ठीक हो गया। वैसे तो रूल ये होता है कि जब आप थोड़ा सा भी फंबल करते हो ना दोबारा से स्टार्ट होता है लेकिन चलें कोई बात नहीं। क्या सुनाएंगे। कुछ नहीं। ओके जी ठीक है थैंक यू अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप। जी ठीक बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। जी जी क्या नाम है आपका। ताहा नईम। और आपका नाम। नुमान सईद। नुमान सईद ओके। ताहा और नुमान क्या करते हैं आप। मेडिकल के स्टूडेंट हैं। आप भी। हाँ जी। अच्छा जी दोनों मेडिकल के स्टूडेंट हैं। क्या करोगे मेडिकल के बाद। मेरा नाम BS एग्रीकल्चर करना है। फिर मेडिकल क्यों कर रहे हो। मेडिकल किसे होती हो। अच्छा आपने क्या करना। मैं मेडिकल के MBBS को परस्यू करना चाहूँगा। ओके बड़े कम लोग होते हैं जो मेडिकल के बाद यानी FSC के बाद इन मेडिकल फील्ड में ही जाएं। मोस्टली जो है वो इधर उधर निकल जाते हैं। बहुत कम होते हैं ये तो। फिर जैसे मैंने इसलिए स्टूडेंट क्योंकि मेरे पापा का बिजनेस है ये शॉप है पेस्टिसाइड की इसलिए मैंने BS एग्रीकल्चर किया। ओके ओके ठीक है। बाबा के बिजनेस को ही आगे प्रोसीड कर। हाँ आगे उसके पापा के साथ ही हूँ। ठीक हो गया। तो सवाल कर रही हूँ आपने जवाब देना है। सवाल ये है मुझे ये बता दीजिए ऐसा क्या है जिसके हाथ और मुंह नहीं है गला और बाजू हैं। गला और बाजू। कमीज। अच्छा आप बताएं। कमीज ही होगा। हाथ और बाजू हैं उसके वो नहीं है। अच्छा पक्की बात। यही होगा। चल जी टंग ट्विस्टर कराऊंगी जो मैं बोलूंगी इसको आप 5 दफ़ा रिपीट करेंगे। ठीक है बोलूंगी मैं एक ही दफ़ा बुलवा मेरे से 10 दफ़ा लेते हैं खुद 5-5 दफ़ा बोल के भाग जाते हैं। आपने बोलना है पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला। पीतल की पतीली में पीता पीतल की पतीली में पीता पतीला पतीला 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 पीतल की पतीली में पीता पतीला पतीला। मैंने तो ये बोला ही नहीं। पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला। पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला। पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला। पीतल की पतीली में चले अब आपकी बारी।
पपीता पीला पीला चले जी एक और सवाल कर रही हूँ, मुझे बताएं ऐसा कौन सा जानवर है जिसके दो दिमाग होते हैं? ऑक्टोपस के होते हैं, ऑक्टोपस के मल्टीपल ब्रेन्स होते हैं। मल्टीपल तो नहीं पूछा मैंने, पूछा दो दिमाग किस जानवर के होते हैं? चिंपैंजी के भी दो ब्रेन होते हैं। दो ब्रेन तो नहीं पता है, लेकिन ऑक्टोपस के 18 ब्रेन होते हैं। अच्छा ठीक हो गया, क्या सुनाओगे? गाना आता है? नहीं नहीं, सुना देता हूँ। एक बाल कहाँ से सीखी है तूने दरवेशी के, चर्चा बादशाहों में है तेरी बेनियाजी का। गाना सुनना है मैंने भाई, दोनों मिलकर सुना। नहीं नहीं गाना नहीं। फिर क्या? क्रिकेट के बारे में सवाल पूछ। क्रिकेट के बारे में सवाल पूछूं? पाकिस्तानी टीम के कितने प्लेयर्स हैं? क्या मतलब, क्या कितने? क्रिकेट टीम के कितने प्लेयर्स हैं? मैच जो खेलते हैं वो 11 एग्जैक्टली 15 में से होते हैं। अच्छा टोटल 15 हैं, खेलते 11 जी, स्क्वाड वो 15 का वर्ल्ड कप। अच्छा तो मुझे जरा बताएं 15 के नाम क्या है? 15 के नाम बता दूं? बता दे। अमामू हक, अब्दुल्ला शफीक, फखर जमान, बाबर आजम, रिजवान, सऊद शकील, इफ्तिखार अहमद, नवाज, शदाब, वसीम जूनियर, शीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, नसीम शाह, उसामा मीर। एक रह गया। 15 हो गए। एक रह गया। हसन अली। 15 हो गए। यस एग्जैक्टली गुड। आप मुझे बताएं आपका इंटरेस्ट क्या है? मेरा इंटरेस्ट फिलहाल तो पढ़ाई है, क्योंकि सेकंड ईयर की पढ़ाई बहुत सख्त है तो पढ़ाई कर रहा हूँ। अच्छा मेरे ख्याल से तो फर्स्ट ईयर ज़्यादा मुश्किल लगती है, क्योंकि वो ज़रा होता है पहला स्टेप, तो आप उसके बाद सेकंड ईयर ज़रा ईजी हो जाती है। नहीं नहीं, बच्चे आराम से हो जाते हैं फर्स्ट ईयर में, जितने नंबर आ गए ना वो चिल मारने लग जाते हैं कि इतने आ जाएंगे फर्स्ट ईयर में, लेकिन ऐसे नहीं होता। सेकंड ईयर में फर्स्ट ईयर महसूस होती है कि ईजी है मैट्रिक के मुकाबले में, लेकिन वो मुश्किल है काफ़ी, और सेकेंड ईयर से ज़्यादा मुश्किल है। सब्जेक्ट कौन सा है फेवरेट? मैथ। ओ मेरा बायो। मैं भी कहूँ, अभी मुझे बोला है मेडिकल है, मैथ कैसे? नहीं बायो, मैथ मेडिकल 10th तक था इसका फेवरेट। मेरा केमिस्ट्री फेवरेट है। ओके केमिस्ट्री के पीरियोडिक टेबल के कितने एलिमेंट्स हैं? 116 एलिमेंट्स हैं। अच्छा तो आखिरी एलिमेंट बताओ कौन सा? आखिरी तो भी याद नहीं होगा। पहला कौन सा? पहला हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या है? 1। एटॉमिक नंबर क्या है? 1। ओके जी ठीक हो गया। अच्छे बच्चे हैं आप लोग तो, पढ़ने वाले हैं सही पढ़ाकू? नहीं नॉर्मल है, नॉर्मल है, नंबर आते नहीं पढ़ने का बस। ये भी सही है, नंबर तो आता नहीं पढ़ने का क्या फ़ायदा। चलें जी ठीक है जी, थैंक यू फॉर योर ओपिनियन, अल्लाह हाफिज़। जी भी बस वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, वापस आऊँगी मैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहना है प्रोग्राम हम और आप, क्योंकि इसी तरह की मजीद मज़े की बातें सुनेंगे आप इस प्रोग्राम में। मैं अभी आती हूँ एक छोटी सी ब्रेक के बाद। शेर सुना दूँ? सुनाइए। जब पुकारना हो मुझे तो मेरा नाम भूल जाता है, उसे इश्क तो आता है मगर करना भूल जाता है। उससे कह दो यूँ मुस्कुराकर न देखे मुझे, ये दिल पागल है धड़कना भूल जाता। क्या बात है, किसे कह दो? ए बस वैसे ही शेर था जी, शेर किसी के लिए नहीं? नहीं किसी के लिए नहीं। पक्की बात है? पक्की बात। सोच लो एक। सोच लो। वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक के बाद आ गई हैं आपकी होस्ट वापस, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप। मेरे साथ मौजूद हैं कुछ और स्टूडेंट, से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आप? मोहम्मद मुनीर। आपका? मुअज्जम सुल्तान। हंस क्यों रहे हो? वैसे वैसे ही हंसते रहते हो हर वक्त? जी हंसते रहते हैं। चलो अच्छी बात है, खुश रहना चाहिए ना। वैसे ही रहते हो सड़े हुए? नहीं बस टाइम के साथ इसी तरह ही हो जाता है बंदा, जब अपनी क्लासेस वगैरह में अगर ज़्यादा आगे जाते हैं तो स्ट्रेस वगैरह होता है, बस इस वजह से। स्ट्रेस किस बात का होता है? स्टडी का होता है, अपने करियर का होता है, गोल्स का होता है। क्या गोल्स हैं आपके? ऐसे कौन से गोल्स हैं जिनका स्ट्रेस ही ख़त्म नहीं हो रहा? आई विल जॉइन टू पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी। ओके कब? आफ्टर एफएससी। ओके गुड। आप बताएं आप क्या करना चाहते हैं? मैं एआई इंजीनियर बनना चाहता हूं। ओए बड़ी टॉप क्लास फील्ड चूज की जी। जिस तरह दुनिया आईटी, एआई का मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वो क्या होती है? कि हम रोबोट्स को इंसानों जैसी इंटेलिजेंस दे के उनसे बहुत ही हम काम ले सकते हैं। ओके जी क्या सुनाएंगे आप हमें? सुनाने को कुछ भी नहीं है क्योंकि इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, जस्ट अपने कैरियर पे मैं फिलहाल फोकस कर। अच्छा कैरियर के अलावा किस चीज़ में इंटरेस्ट है? फिजिकल एक्टिविटीज़ जैसे कि फुटबॉल।
और रनिंग हो गया, माइल्स अपने कंप्लीट करता हूँ बस, इसके अलावा नहीं, बैडमिंटन हो गया बस। ओके आपकी क्या हॉबीज है? वैसे तो मैं क्रिकेट खेलता हूँ और बैडमिंटन मेरी फेवरेट गेम है। बैडमिंटन जी या बैडमिंटन? बैडमिंटन वही। बैडमिंटन तो कोई और शय है? नो, इट्स ओनली स्लिप ऑफ टंग। अच्छा जी, ठीक हो गया। ओके जी, क्या सुनाने वाले हैं आप हमें? मैं आपको शेर सुना दूँ। सुनाइए। जब पुकारना हो मुझे तो मेरा नाम भूल जाता है, उसे इश्क तो आता है मगर करना भूल जाता है। उससे कह दो यूँ मुस्कुरा कर न देखे मुझे, ये दिल पागल है धड़कना भूल जाता है। क्या बात है, किसे कह दो? ये बस वैसे ही शेर था जी, शेर। किसी के लिए नहीं? नहीं, किसी के लिए नहीं। पक्की बात है? पक्की बात। सोच लो एक। सोचे। चलो ठीक हो गया। सवाल कर रही हूँ आपसे, जवाब देना। मुझे बताओ, ऐसा क्या है जिसके हाथ और मुंह नहीं है, गला और बाजू हैं? हाथ और मुंह नहीं है और गला और बाजू हैं। एनिमल्स में? हिंट नहीं दे सकती, सॉरी। आई डोंट नो। यू डोंट नो? नो। आपको पता? नो, आई डोंट नो। बंदर के कितने दिमाग होते हैं? एक ही होता है। आप बताओ। मुझे लगता है दो होते हैं। पक्की बात है? जी पक्की बात। चार नहीं होते? चार सुने तो दो हैं लेकिन चार भी हो सकते हैं। अच्छा जी, ठीक हो गया। चलो जी, टंग ट्विस्टर करोगे जो मैं बोलूँगी, इसको पांच दफ़ा आप रिपीट करोगे, पांच दफ़ा आप। ओके, आपने बोलना है पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला। पीतल की एक मिनट दोबारा रिपीट कर दें। आप भी गौर से सुन लें, दोबारा आपकी दफ़ा रिपीट नहीं करूँगी, ठीक है? पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला। पीतल की पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला। 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 ओके जी, आप करेंगे टंग ट्विस्टर। पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला। पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला। पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला। पीतल की पतीली में पपीता पीला। वेरी गुड जी, अब सुनाएंगे कुछ नहीं आप? पोएट्री एक वो सुनाए। सुना था तेरे शहर में वफा मिलती है, टूटे हुए दिलों की दवा मिलती है, यही सोच कर आए थे तेरे शहर, यहाँ तो दिल लगाने की भी सजा मिलती है। क्या बात है, किसके लिए सुनाया? नथिंग, बस ही देखा था तो याद हो गया। और पोएट्रीज वैसे भी मैं पढ़ता रहता हूँ रैंडमली। चलो जी ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ जी। वे बस दो और स्टूडेंट हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। कोई लड़ाई चल रही है आपस में? नहीं नहीं, ना, ना। मैंने कहा एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, नहीं बिल्कुल भी नहीं दोस्त। अच्छा जी, क्या नाम है आपका? अहमद अली। आपका? मुतैयब। मुतैयब क्या मतलब है आपका नाम? पाक। अच्छा जी, अहमद अली, किस क्लास में पढ़ते हो? फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर? सेकेंड ईयर। ओके, मेडिकल नॉन मेडिकल? नॉन मेडिकल। चलो शुक्र है, कोई तो नॉन मेडिकल का आया। क्या करना चाहते हो? इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग में जाना है? ओके, क्या स्कोप है इंजीनियरिंग का? इंजीनियरिंग का स्कोप तो है, तो स्कोप तो काफ़ी है, जैसे आर्किटेक्चरिंग जो मेरा है, मेरा आर्किटेक्चरिंग का है अब। ठीक हो गया, आप क्या करना चाहते हो? इंशाल्लाह आर्मी में जाएंगे। गुड, सवाल करूंगी मैं, आप जवाब देंगे। सवाल यह है, ऐसा क्या है जिसके हाथ और मुंह नहीं है, गला और बाजू हैं? हाथ और मुंह नहीं है, गला गला और बाजू है। शर्ट। आप बताएं। नो आइडिया। अच्छा, बता दिया उन्होंने फिर भी नो आइडिया। शर्ट। शर्ट। ऐसा कौन सा जानवर है जिसके दो दिमाग होते हैं? बंदर। बंदर, मंकी, बंदर। अच्छा, आप बड़े इंटेलिजेंट हैं। क्या सुनाएंगे आप हमें? हम गाना सुना देते हैं आपको। सुनाएं, चलाएं। आजा, कहानी सुनो, जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, दीव। थोड़ा सा दो तीन लाइनें। कौन सा? ये ब्लू आईज। अच्छा, बल्कि वो सुना देता हूँ आज भी। आज ब्लू है पानी पानी पानी, और दिन भी सानी सानी, आ जाओ ऑन द बीच यारा, फोटो मेरी खींच, बुढ़ी किस्मत होगी तेरी जो तूने ये बात न मानी। ओहो
ओहो ओके चलें, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। जी व्यूवर्स, ये था आज का प्रोग्राम, उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा, इन्जॉय किया होगा आप सबने इस प्रोग्राम को। तो आज के प्रोग्राम में दो सवाल शामिल किए, देती चलूँ आपको जवाब। पहला सवाल ये था कि ऐसा कौन सा जानवर है जिसके दो दिमाग होते हैं, तो वो है बंदर। और दूसरा सवाल ये था कि ऐसा क्या है जिसके हाथ और मुँह नहीं है लेकिन गला और बाजू है, तो वो है शर्ट। व्यूवर्स, अगले एपिसोड में हमारी मुलाकात होगी नई जगह, नए लोगों के साथ, नए सवालों, नई नई बातों के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, देखते रहिए प्रोग्राम हम और आप। अल्लाह हाफ़िज़।